मेरे हेलो फ्रेंड को देख सकते हैं, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो मैं आज एन सर से बुला रही हूँ, आप देखते हैं तो वह हम लोग सो जाएंगे। ये सर है मेरे बाबू गप्पू बड़े भैया। भैया मैं रील देख रहा हूँ। रील देख रहे हैं बड़े भैया। बोलो राम राम जी। सर ये यूट्यूब पे व्लॉग बना रही हूँ मैं। अच्छा यूट्यूब पे व्लॉग बना रही भाई। लोगों ये मेरी जो बहन है कल्पना कुशवा हाथरस, और ये इंस्टाग्राम पे भी है यूट्यूब पे भी है, तो बहुत ही अच्छा इसका काम है। कुछ दिन पहले इसकी आईडी एक हैक कर ली किसी बंदे ने, जो भी हो पता नहीं। बाकी अब दोबारा से फिर संघर्ष कर रही है, फिर मेहनत कर रही है। तो भाई देखो, आप सब लोगों से मेरा कहना तो यही है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं, मतलब हारी है और आज भी संघर्ष कर रही है। तो हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि हम सभी लोग उसका सपोर्ट करें, समर्थन करें। और ये ऐसा तो है नहीं कि आप इनका समर्थन करोगे तो तुम्हारे खेत में से कोई फसल काट ले, ऐसा तो है नहीं। जैसा है YouTube पे तुम कर रहे हो काम तो तुम कमाओगे। अगर तुम्हारी कोई बहन 10 रुपये कमा लेगी क्या फ़र्क पड़ना है। तो मैं तो कहता हूँ सभी लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका समर्थन करें। और मैं हमेशा इसके साथ हूँ और जैसा चाहेंगे वैसा मैं करता रहूँगा, मुझसे जैसा बनेगा। बाकी ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं, कलाकार भी बहुत छोटा हूँ। बहुत अच्छे हैं सच में मेरे बड़े भैया के। इतनी अच्छी आदत है सर की, सर तो नहीं कहूँगी मैं, बड़े भैया कहूँगी अब हाथ से। तो बड़े भैया की इतनी अच्छी आदत सच्ची, बहुत ज़्यादा ओके। इतनी आदत मुझे किसी की अच्छी नहीं लगी जितना भैया की अच्छी है। सपोर्ट भी, इज्जत सम्मान सब कुछ करते हैं भैया की। भैया से मिलना आ करके तो बहुत अच्छे, मतलब सबसे बात करते हैं। मतलब ये नहीं है एटीट्यूड हो इनमें, जैसे कि यूट्यूबर हैं काफ़ी लोग जानते हैं ना, दुनिया में फेमस है। ऐसा सच नहीं है भैया, बहुत ही प्यार है भैया के दिल में। उनका चैनल का नाम है बाबू गप्पू, तो आप भी इनको सपोर्ट करना। सर सभी जानते हैं ध्रुव भैया का दिल बहुत बड़ा है सच में। मैंने तो आज देखा है आकर। जय हिंद। बाकी रही बात मेरी बहन कह रही थी घमंड की, तो घमंड किस चीज पे करना है ये तो बता दीजिए। सकल पे करना है, अपने बदन पे करना है, अपने जो हमारा जो जीवन है। जीवन ये नहीं पता कि शाम को हम खाना खा के सोएंगे, सुबह चाय पियेंगे नहीं पियेंगे किसी को नहीं पता। तो घमंड किसका करना है? घमंड रावण का भी नहीं चला तो मेरे तो औकात क्या है। मैं तो बस छोटा सा एक सात आठ सा इंसान हूँ। आप सब लोगों का प्यार बना रहे, बस यही मेरे जीवन में सब कुछ है। और सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए यही है कि आप मुझे प्यार करते हो। मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा मिल जाता है आप सब लोगों के प्यार आशीर्वाद से ही मिल रहा है। क्योंकि आप सब लोग मेरे लिए भगवान हो, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, दुकान पे भी लिखा होता है ग्राहक भगवान होता है। और आप सब लोग मेरी वीडियो देखते तो मेरे ग्राहक हो, मेरे भगवान हो। मैं आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर कहता हूँ आप सब लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखना और हम सब पे ही रखना, सब कलाकारों पे। तो सब आपको कुछ न कुछ नया परोसते रहेंगे, नया अच्छा अच्छा देने। तो देख सकते हैं भैया, मैं भैया से बात करके जा रही हूँ, मुझे काम करने की शायद लग मौका मिल रहा है, मौका मिल जाए तो। भैया तो कह रहे हैं हाँ कर लो काम, और मैं भी कर लूंगी है। तो देख सकते हैं, इतना ही बंद कर दूं। नहीं यार बनाने दो। तो मैं सोच रही हूँ भैया के साथ रील बनाने की, और बनाई भी है भैया के साथ। पहले तो मेरी आईडी हैग ही हो गई है, लेकिन आप इसमें मुझे पूरा सपोर्ट करो भैया, पूरा सहयोग करो। जैसे कि कितने बड़े भैया यूट्यूबर हैं, कितनी अच्छी तरह से मान सम्मान किया है हमारा आगे। तो कुछ भी बिल्कुल कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है भैया के अंदर। तो देख सकते हैं भैया की वीडियो, ज्यादा कमेंट करना। और अगर चैनल पे भैया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ब्लॉग में यहीं पर ख़त्म करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा अब टाइम नहीं है, सर से ही बात करनी है भैया से, बड़े भैया से। तो सही तो बामन से हो रहे हैं। अब देखो बात करके जा रही हूँ भैया से, बड़े भैया से रील बनाने की। अब भैया ये तो दुनिया है, क्या क्या वक्त है, क्या क्या नहीं वक्त है, अपने अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें खुद सोचना है।
जब तुम आगार बढ़ोगे तो वही लोग कहेंगे कि हमारी ये लगती है, हमारी ये बहू लगती है, कि हमारी ये बहन लगती है, कि हमारी ये बुआ लगती है। और उससे पहले तुम कुछ भी नहीं हो तो उससे पहले हम नहीं जानते हैं, जान पूछ के भी नहीं जान पाएंगे, जान पूछ के भी ऐसे बोल देंगे। तो भैया ने भी मुझे यही सलाह दी है और मैं तो दिल जान से अब मैं यूट्यूबर में पूरा ध्यान दूंगी, क्योंकि मेरा मन यूट्यूब चैनल पर काम करने का है। भैया पता नहीं है यूट्यूब पर भैया मेरा चैनल में पता नहीं क्या कर दिया है, कॉपीराइट आ गया है, इतनी मुझे नॉलेज भी नहीं है, लेकिन दिक्कत है खत्म करवा दूंगी मैं। तो देख सकते हैं मैं सारी और सर समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सर के घर पर आई हुई हूँ, नवरात्रि है, भैया ने चाहा, मैंने भैया से कह गई भैया मुझे अब मिल जाए सर, तो मिल गए मेरे बड़े भैया। यहाँ पे देख सकते हो आप ये ऑफिस है सर का, देख सकते हो। तो कभी सोचा था नहीं था कि भैया से मिल पाऊँगी बड़े भैया से, लेकिन आज मिल गई, किस्मत अच्छी निकली। तो मुझे ये भी उम्मीद होती है कि मैं हाँ यूट्यूब पर सक्सेस होंगी जरूर। आगे सर बालाजी महाराज मैया रानी मेरे साथ दें, मेरे विष्णु और मेरे साथ दें, जरूर कामयाबी मिले और आप भी अगर सपोर्ट मिले, आप सहयोग करते रहें, बस आपका यही मुझे इंतजार है। तो यही मुझे उम्मीद है भैया, लाइक कमेंट शेयर करो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे प्यार और सम्मान की, ठीक है ना। तो मैं ब्लॉग में यहीं पर ख़त्म करती हूँ, तो बाय बाय।